आप बात बात समझ लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बना, और पहले हम लोगों के साथ भी हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से MLC भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया, हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे, लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते नहीं है। अरे भाई हम कहाँ से बताएंगे, हम भी डिप्टी CM बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे, चर्चाएं हैं कि तो ये सारी चीजें जो बन सकते हैं। अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, आप बात बात समझ लगातार जो है मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बना, और पहले हम लोगों के साथ भी हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से MLC भी बनाए थे संतोष मांझी जी को, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया, हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो हैं मंत्री बने रहे, लेकिन जब बात हुई है जो ललन बाबू जी कह ही रहे, विजय चौधरी जी ने साफ तौर पे चिट्ठी दिखा ही दिया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि निजी कारणों के वजह से जो है अब साथ नहीं चल सकते। साथ नहीं चलने का मतलब तो यही हम लोग समझते हैं, पॉलिटिकल लोग यही लोग सब लोग जानते हैं कि इसका मायने क्या है। अब वहाँ क्या है, उनका क्या सोच है, इस पे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चिट्ठी में जो लिखा है तो इसमें तो बातें एकदम स्पष्ट है कि महागठबंधन का वो अंग नहीं है, रहना चाहते नहीं है। अरे भाई हम कहाँ से बताएंगे, हम भी डिप्टी CM बने तो नोटिफाई तो मुख्यमंत्री जी ना करेंगे, चर्चाएं हैं कि तो ये सारी चीजें जो बन सकते हैं। अब इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते।